धन्ना सेठों नेताओं और पुलिस के गठजोड़ से कोयले का काला खेल चल रहा है। इस तिकड़ी से मिलकर कोयले के तस्कर बेधड़क कोयले का अवैध परिवहन कर रहे हैं। कोयले के इस अवैध कारोबार के बारे में सब कुछ जानते हुए भी प्रशासन अनजान बना हुआ है। चांदामेटा थाने के बड़कुई चौकी में इकलहरा ओपन कॉस्ट कोल माइंस में धड़ल्ले से कोयले का काला खेल चल रहा है, जिसमें धन्ना सेठों, रसूखदार नेताओं व कुछ पुलिस वालों की सांठगांठ के कारण कोयला माफिया कोयले का अवैध परिवहन करवा रहे हैं। कोयलांचल में गरीबी और बेरोजगारी होने के कारण कोयला माफिया इनका फायदा उठाते हैं और माइंस से कोयला ढुलवाते हैं, फिर इन्हीं से कुछ रुपयों में कोयला लेकर कई गुना में ईट भट्टों को और ओपन मार्केट में बेच देते हैं। पुलिस की नाक के नीचे ये कोयला का अवैध कारोबार चल रहा है। कई शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने दबिश तो कई बार दी, लेकिन एक भी आरोपी पकड़ा नहीं जा सका। जानकारी प्राप्त हुई थी कि बड़कुई ओपन कास्ट खदानों से आसपास के लोग एकत्र होकर जो बाहर वो भी फेंकी जाती है, उससे कोयले छाड़कर आसपास के लोगों को बिक्री करते हैं। इस पर कल पुलिस द्वारा काली कर्मचारियों को लेकर आसपास के क्षेत्र में तलाशी कराई गई और जो ही कोयले की बोरियां प्याला से घेर पड़े थे उसको काली वालों को सुपुर्द कराया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।